हेलो गाइस, आज का टॉपिक से किसी पैराग्राफ में अगर लाइन को स्पेस कैसे सेट करते हैं। ये जो पैराग्राफ है इसका एक लाइन से दूसरी लाइन के मध्य में जो स्पेस है उसे आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए आपको होम में जाकर जो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन दिख रहा है इसका सपोर्ट लेना होगा। यहाँ पर 1.0, 1.15, 1.5, 2.0 ये सब अक्सर दिख जाएगा। अगर हम 1.15 क्लिक करेंगे सिलेक्ट करने के बाद तो स्पेस 1.15 आ जाएगा। सिलेक्ट के बाद अगर 2.0 में क्लिक करेंगे तो स्पेस ज़्यादा दिख जाएगा। अगर 2.5 देंगे तो स्पेस और भी ज़्यादा दिखेगा। अगर 3.0 देंगे तो फिर से बड़ा हो जाएगा। अगर आपको नॉर्मल करना है तो सिलेक्ट करने के बाद 1.0 कर दीजिएगा, यही नॉर्मल फॉन्ट है। इस तरह से लाइन स्पेसिंग को कंट्रोल करते हैं। अगर पैराग्राफ को आपको लेफ्ट राइट सेंटर करना है तो इसे सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करने से आपका पैराग्राफ मिडिल साइज में आ जाएगा। कंट्रोल जे प्रेस करने से वो जस्टिफाई हो जाएगा। कंट्रोल एल प्रेस करने से वो बाएं तरफ आ जाएगा। अगर लाइन स्पेसिंग को आप कीबोर्ड के तरीके से करना चाहते हैं तो आपको पहले सिलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल वन प्रेस करना होगा, तब ये लाइन स्पेसिंग वन आएगा। अगर कंट्रोल टू प्रेस करेंगे तो लाइन स्पेसिंग 2.0 हो जाएगा। अगर आपको इस टेक्स्ट को कलर करना है तो इसे सिलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, उसके बाद जो फॉन्ट कलर दिख रहा है यहाँ से आप कलर ले सकते हैं। यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं और ऑल कैप्स, स्मॉल कैप, ये जो डिजाइन है इनमें से किसी एक को लेकर ओके कर देने से आपका टेस्ट डिजाइन हो जाएगा। दोस्तों, ये टेस्ट फॉर्मेटिंग आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा और मेरे चैनल को देखते रहिए और दूसरों को देखने के लिए उत्साह देते रहिए। मेरे चैनल को देखते रहिए। तब तक के लिए नए वीडियो लेकर फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।